पता नहीं क्यों यार, दिल सा नहीं लग रहा मेरा। ये चेक करें, कोई भी नहीं आया। ऑफिस का दरवाजा मैं खुद खोल रहा हूँ आके। अरे फैसल भाई, फैसल भाई बहुत शर्माते हैं। आगे आगे कुछ नहीं होता, वो फिर गए चले। चलो सही है, मैंने कर दिया, साइड पे आ जाओ। ये हमारे फैजल भाई। बहुत शायद शायद कैमरा शायद। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं हमेशा लेट नहीं आता। शुरू शुरू में जाहिर सी बात आता था, बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैं रोजाना लेट हो जाता था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। जी ब्रो, यार कुछ बोलो यार। क्या बोलूं ब्रो। यार मेरा व्लॉग नहीं बन रहा यार। मैं ना बड़ा डिसाइड हुआ पड़ा हूँ कि मैं क्या बनाऊँ यार। कुछ भी बना ले आजकल पाकिस्तान के बारे में बता। बाहर पैर, गरीबी है, इन्फ्लेशन है, काम है, पैसे है ही नहीं। बोल कुछ ना कुछ क्या अपने बारे में बता। आजकल बहुत मैं सब कुछ बता मुश्किल चुका हूँ। जिंदगी है मेरी। कनाडा जाना चाहता हूँ। परसों एक बाबे को भेजा था, अब मैं जाऊँगा। सही नहीं? सही है कनाडा जा, पैसे कमा, आईफोन ले, एंजॉय कर जिंदगी, एंजॉय कर। समझ गई? हाँ समझ आ गई है। चेक करो विंडो 11 आपके लैपटॉप में है। विंडो 11 ना देखो यार, विंडो 11 की हुई है, फुल शशके वाला। ओए होए, RGB लाइट्स हैं। मैंने आईफोन 12 किया हुआ है। किसमें? इसमें मोबाइल में, लैपटॉप में? तूने 11 किया हुआ है? तूने 11 किया हुआ? मैंने विंडो 11 की हुई है। मैंने आईफोन 12 किया हुआ है। ओए होए होए अपडेट होए, ब्रो, क्या बात है बोनस की। बस देख ले। यार पता नहीं क्यों यार, दिल सा नहीं लग रहा मेरा। जैसे बीमार है। नहीं बीमार तो नहीं, शायद रूहानी बीमार हो गया हूँ, पता नहीं क्यों। क्या अच्छा, इलाज है इसका? इसका इलाज है, एक हकीम है, बड़ा अच्छा इलाज करता है इसका। अच्छा, हाँ, क्या इलाज करता वो? उसके पास एक डंडा होता है और सांडे की तरह उसे डुबाया होता है। बाकी अगर तू बता दे तो ले जाता हूँ, अगर जिंदगी सतंग है। इलाज अच्छा करेगा, कुछ करेगा। नहीं यार वाकई में ये गारंटी है, कुछ करेगा। सही कह रहा हूँ। मैं हाँ, ना पता नहीं क्यों अंदर से दिल बुझा हुआ है यार। पता नहीं क्या हो गया यार, मुझे ना बहुत अफसोस हुआ पड़ा हूँ। कुछ भी नहीं करने को दिल कर रहा। मैं दिल कर रहा मर जा, मरने में टकरे बड़ा मारो, सपोर्ट है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मर जा, मरने में बड़ा सपोर्ट है। मर तो जाऊं, लेकिन अगली भी तैयारी तो नहीं ना की हुई। ना दुनिया की तैयारी है ना अगली की तैयारी है। सही। बस यार मुझे तो लगता है दोनों तरफ ना छितर ही पड़ने हैं। अल्लाह ना करे, नहीं पढ़ना या अल्लाह माफ फरमा दे तेरा गुनाहगार बंदा हूँ तो हाफिज है, मैं। मेरा अल्लाह हाफिज़, हाफिज़ नहीं हूँ मैं। फिर तो सही बात। अल्लाह ही हफीज है तेरा, फिर तो लितर पड़ गया। लित्तर पढ़ने हैं फिर है। अच्छा, वो पूछेंगे यूट्यूब से कितना पैसा कमाए, क्या बताओगे? मैं कहूंगा अभी ये तक लोग तो था। बनाते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, लोगों को अपनी बेलियाँ सुनाते रहे हैं लोग। वो क्या कहेंगे फरिश्ते? हाँ गाइस, ये देखो मेरा फरिश्ता है, मेरी हिसाब किताब ले रहा है। क्या लगता है बहन भाई क्या होगा? तेरा इंशाल्लाह चैनल बड़ा ग्रो होगा। तू बड़ा मेहनती है, ऑफिस में बैठ के तू वीलॉग जो बनाता है ना, तू कामयाब है बच्चे, वीलॉग बना। ना जब दिल भी मार हो ना तो अस्तगफार ज्यादा करना चाहिए, और अल्लाह के सामने बैठ के अल्लाह से बातें करनी चाहिए। इसका एक ही हल है, हाँ मुझे तो सही यही है। लगता है। बाकी कोई दुनिया की ताकत आपको खुश नहीं कर सकती, पैसा नहीं आपको खुश कर सकता, लोग आपको खुश नहीं कर सकते। कर सकते हैं लोग। भाई कोई दुखी सा शेर सुना दो।
दुखी सा। एक बार शेर था, एक शेर था बीमार बीमार था। अच्छा तो दुखी तो हो गया ना, उसका दुख ये था कि शेरनी भी बीमार थी, वो अच्छा दोनों बीमार थे, दोनों दुख के आश्रय में थे, कोई शिकार करने जा ही नहीं सकता था, तो दुखी ये हो गया दुखी शेर, शेर, बहुत दुखी बेचारा, लाचार, लाचार बेसहारा। बेसहारा। बांदर को कहता था केले तोड़ के लिया, सही नहीं, बांदर को कहता था, केले तोड़ ला। हाँ बांदर 2-3 कान के नीचे लगा के भी चला जाता था, क्योंकि शेर तो बेसहारा था, मजबूर था। मजबूर था इससे आपने बेचारा। क्या सबक सीखा मैंने कि जब तुम बेसहारा हो तो बांदर का सहारा नहीं लेना। नहीं, जब तुम बेसहारा हो तो शेर के जन ओ क्या कहते हैं, बादशाह होकर भी बांदर से झंडे खाओगे। इसका मोरल था, जब बेसहारा हो तो बादशाह होकर भी बंदर से चंडे खा लोगे। हाँ जी, तुम बेसहारा नहीं हो तो तुम बादशाह को भी छंडे मारते हो, पर तुम बंदर हो है? बात तो सही करते हो पर क्यों करते हो। बात तो है मगर बात है रसवाई की। इस शेर पे जरा रोशनी डालें जान भाई। कौन सी शर्त बात तो है मगर बात है रसवाई की। इसमें है कि बात तो है बात है रसवाई, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, ये शेर को एक्सप्लेन करो मुझे मतलब समझ। ये किसी को तुम बात भी कर देते हो, बदतमीजी भी कर देते हो, उसको समझो कि वो उसको एडवाइस कर रहे हो, ऐसा एडवाइस कर रहे हो को उसकी कुत्ते वो क्या कहते हैं, कुत्ता पलीट कर रहे हो, वो वाली बात है। हाँ कुत्ते कुत्ते खानी कर रहे हो, बात भी है मगर बात है रसवाई की, खानी एडवाइस दे रहे हो, एडवाइस ऐसा दे रहे हो। कर रहे। हाँ बेशक बेशक। कोई नहीं, तो चलो गाइस हम जरा काम कर लें वरना वो कैमरे की आंख देख रही है और वो वॉइस कैमरा है। हो सकता है अभी तुम्हें सुन रहा हो, हो सकता है मेरा व्लॉग लाइव देखा जा रहा हो, और अगर लाइव देखा जा रहा होगा तो फिर लाइव विस्ती में आप लोगों को दिखा दूंगा। तो गाइस बस उसके बाद मेरा ना व्लॉग शूट करने को दिल ही नहीं किया, पता नहीं क्या हो गया था, तो आज 2 दिन बाद उसकी एंडिंग कर रहा हूँ अपलोडिंग करते वक्त। तो बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद और एक नए जज्बे के साथ, और दुआओं में लाजमी याद रखें सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कर दिया करें। हज़रत अबू हुरैरा हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन नमाज असर के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदीन नबील उम्मी व अला आलिही वसल्लम तस्लीमा, उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब उसके लिए लिखा जाएगा। और एक और रिवायत में है कि मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर गुजरने के वक्त नूर है।